गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मार्शल का मुद्रा प्रमाण सिद्धांत कैम्ब्रिज थ्योरी के अंतर्गत मार्शल समीकरण स्पष्ट किया था और मार्शल ने मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में सीधा आनुपातिक संबंध अपने समीकरण के द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने जो अपना इक्वेशन दिया है वो दिया है P बराबर एम ऑन के ओ या एम बराबर के वाई, वाई बराबर ओ गुणा पी माना है उन्होंने और आगे जाकर फिर संशोधित समीकरण उन्होंने पी बराबर एम ऑन के ओ इसके द्वारा न्यूमेरिकल नंबर को लेते हुए उनके बीच में जो संबंध स्थापित किया है वो मांग मात्रा और कीमत का सीधा अनुपातिक संबंध स्थापित किया। छात्रों, आज के वीडियो में हम कैम्ब्रिज थ्योरी के अंतर्गत पीगू समीकरण पर चर्चा करेंगे कि पीगू ने अपना कौन सा समीकरण दिया है और उसमें मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर और मूल्य के साथ किस प्रकार का संबंध उन्होंने स्थापित किया है उसको हम आज के समीकरण में देखेंगे। तो देखिए छात्रों, यहां पीगू का जो समीकरण है पी बराबर के आर अपॉन एम, ये पीगू का प्राथमिक समीकरण है पी बराबर के आर अपॉन एम। तो यहां देखिएगा पी का मतलब कीमत स्तर है, आर का मतलब वास्तविक आय है जिसको मार्शल वाई के तौर पर प्रदर्शित करता है, के का मतलब इस वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं, वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग नगद रूप में तरल रूप में अपने पास रखना चाहते हैं वो जो स्थिति बनती है वो के की है, एम जो है वो मुद्रा की मात्रा है। लेकिन आगे जाकर पी को स्पष्ट करता है कि लोग वैधानिक मुद्रा के तौर पर मुद्रा या नगद मुद्रा को अपने पास नहीं रखते हैं बल्कि उसका एक भाग विधिग्राह्य मुद्रा या फिर क्यों कह सकते हैं साफ मुद्रा के तौर पर बैंकों में रखा जाता है। तो यहां मुद्रा को पीगू ने आगे जाकर दो प्रकार से विभाजित कर दिया, एक तो वैधानिक मुद्रा जो व्यक्ति अपने पास स्वयं के पास नगद रूप में रखता है और एक साफ मुद्रा जिसे उस नगद मुद्रा का एक भाग लोग बैंकों में रखते हैं। तो इसलिए पीगू का जो समीकरण है आगे जाकर वो बदल जाता है और नया समीकरण बन जाता है पीगू का पी बराबर के आर अपॉन एम सी प्लस एच वन माइनस सी। देखिए छात्रों, यहां पीगू ने जो नई इक्वेशन इसमें शामिल की है उसमें आप ध्यान से देखिएगा, पी बराबर उन्होंने माना है कीमत स्तर, आर जो है वो वास्तविक आय है, के इस वास्तविक आय का वह भाग है जिसे व्यक्ति अपने पास नगद रूप में रखना चाहता है और एम मुद्रा की मात्रा है, ये तो उसकी प्रारंभिक स्थिति जो हमने ऊपर किया है। उसके अलावा पीगू ने इसमें जो बदलाव किया है संशोधन किया है समीकरण के अंतर्गत वो सी प्लस एच वन माइनस सी, ये नए चर इसमें शामिल किए हैं। तो छात्रों, यहां सी का मतलब है जो लोग नगद रूप में अपने पास वैधानिक मुद्रा के तौर पर रख रहे हैं, नगद मुद्रा जो रख रहे हैं उसका एक भाग वैधानिक तौर पर अपने पास रखते हैं वो सी है। ये वन माइनस सी का मतलब है कि उस नगद मुद्रा का वह भाग, उस नगद मुद्रा का वह भाग जिसे लोग बैंकों में जमा कराते हैं, बैंकों में साफ मुद्रा के तौर पर जमा कराते हैं वन माइनस सी, और इस एच का मतलब है कि जो साफ मुद्रा बैंकों में रखी गई है, जो साफ मुद्रा बैंकों में रखी गई है उसका एक निश्चित भाग बैंक अपने पास नगद रूप में रखते हैं, जिसको आप जो बैंकिंग प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां आपको समझाया जाएगा, उस टर्म को बोला जाता है सी आर आर, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात का मतलब ये होता है कि जो प्राथमिक जमा लोग बैंक में जमा कराते हैं उसका एक निश्चित भाग बैंक अपने पास, जितना सीआरआर निर्धारित करता है बैंक उतना भाग बैंक अपने पास नगद रूप में रखता है। तो यहां ये जो एच है पीगू के समीकरण में ये सीआरआर को प्रदर्शित करेगा या यू कह सकते हैं साफ मुद्रा का वह भाग जिसे बैंक अपने पास नगद रूप में रखेंगे। आगे छात्रों, देखो कीमत स्तर को यदि आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मुलेशन में इस समीकरण को रख सकते हैं और यदि आप इसमें मुद्रा की मांग मात्रा निर्धारित करना चाहते हैं तो फिर आप इसको आंशिक चेंज करना पड़ेगा और इस समीकरण को आप लिख सकते हैं एम बराबर के आर
अपॉन पी सी प्लस एच वन माइनस सी, इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। कोई बदलाव नहीं किया मैंने, केवल इतना क्या है कि एक अच्छा मल्टीप्लिकेशन किया है, इसको पी का स्थान एम ने लिया, एम का स्थान पी ने, तिरछा गुणा करना इसको बोला जाता है, ऐसी तरह को रोटेट किया जा सकता है। तो छात्रों आप पीबू के समीकरण की हम बात कर रहे हैं उसमें एक एग्जाम्पल लेकर, एक उदाहरण देकर, एक नंबर का उदाहरण देकर हम उसके कैलकुलेशन को सिद्ध करेंगे कि पी को चरों के बीच में किस प्रकार के संबंध को स्थापित कर पाए। तो हमारा उदाहरण है यहां पर देखिए, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें आपको नंबर ध्यान रखना है के बराबर, पी ने माना है के बराबर 1/4, इसका मतलब है जो आय है उसका 1/4 भाग नगद रूप में रखा जाएगा 25%। दूसरा उसने C बराबर माना है, C बराबर 1/2, जो नगद रखा जाएगा उसका आधा अपने पास रखा जाएगा जो विधिग्राही मुद्रा होगी, और H बराबर माना है 1/10, H बराबर 1/10 और R बराबर 2000, R बराबर 2000 वास्तविक आय 2000 है, और M बराबर 550। छात्रों यहां हमें कीमत स्तर निकालना है, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर को याद करना है। ये नंबर आपको दिए गए हैं, इनसे हम सिद्ध करेंगे कि ये सारे नंबर दिए हुए पर कीमत स्तर क्या होगा, और फिर यदि इसमें बदलाव आता है तो फिर हम किस तरीके से इसमें चेंज करेंगे। तो देखिएगा छात्रों कीमत स्तर निकालना है, सूत्र लगाना होगा आपको, पी बराबर के आर अपॉन एम सी प्लस एच वन माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है, और इसके बाद इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू को अपन को पुट करना है, रखना है, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहां पी बराबर के का मान देखिएगा 1/4, 1/4 आर का मान देखिए 2000 अपॉन एम का मान 550, फिर आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, सी का मान है 1/2 प्लस एच का मान है 1/10 और 1 माइनस सी का मान 1/2, इस तरीके से सारे नंबर आपको इस समीकरण में रख लेना है। इसके बाद देखिएगा p बराबर 1/4 ऊपर वाली संख्याएं हैं, तो 1/4 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका सीधा सीधा 500 आ जाएगा, 2000 में 4 का भाग देंगे 500 आ जाएगा, और नीचे आपके 550। इसके बाद देखिएगा पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है, फिर बड़े को करना है, ऐसा बोर्डमास का नियम होता है। तो आप 1/2 प्लस 1/10, इस एक में से आधा निकलेगा, इस एक में से आधा निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब इसके बाद p बराबर 500/550, उसके बाद 1/2 प्लस 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1/20 हो जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन आएगा छात्रों। इसके बाद p बराबर यदि निकालेंगे तो हो जाएगा 500 550, इसमें हम एलसीएम लेते हैं 20 एलसीएम आ जाएगा, और ये 10 प्लस 1/20 आ जाएगा, एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, एलसीएम 20 लिया हमने, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 10 कितने में, ये एक बार 1 कितने में, तो अपना जो p बराबर इक्वेशन आ रहा है यहां पर वो आ रहा है p बराबर 500/550, और इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11/20, इस तरीके से क्वेश्चन ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इसको आगे और शॉर्ट कर सकते हैं हम, p बराबर देखिए इसको आप यहां काटते हैं तो आप 10 से काट लीजिएगा, 50 से काट लीजिएगा, ये 10 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11/20,
ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 10/11 × 11/20। 11 से 11 कैंसिल हो रहा है और अंत में हमारे पास p बराबर आ गया 1/2। तो छात्रों यहां इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि a का मान इतना है, c का मान इतना है, h का मान इतना है, r का मान इतना है और f इतना है तो कीमत उत्तर 1/2 होगा पीहू के समीकरण के अनुसार। अब इसमें हमको चेंज करना है कि यदि हम इसमें नगद को उसको बढ़ा दें या घटा दें तो उसका कीमत उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे हमने मार्शल के में किया वैसे हमें यहां भी करना है। तो हम इसको थोड़ा सा नंबर चेंज करते हैं और नंबर चेंज करने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए छात्रों यहां हम 1/2 कीमत स्तर ज्ञात कर रहे हैं। यदि हमें मुद्रा की मात्रा ज्ञात करनी हो, ये तो हमने कीमत स्तर ज्ञात कर लिया और हमें मुद्रा की मात्रा ज्ञात करनी हो तो इसी सवाल को हम यहां तो कीमत स्तर लिख देंगे 1/2 आया 1/2 और मुद्रा की मात्रा जो 550 हमारे पास नहीं है इसको हमें ज्ञात करना है। 1/2 स्तर पर मात्रा क्या होगी ये यदि याद कर रहा हूं तो इसी इक्वेशन को हमें दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं एम बराबर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था के आर अपॉन बी सी प्लस एच और 1 - c। इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं एम का मान यहां पर निकालना है तो एम बराबर के का मान 1/4 है, आर का मान 2000 है, पी का मान हमने ज्ञात किया है 1/2 आया है, ठीक है, फिर सी का मान भी 1/2 है प्लस 1/10 1/10 1 - 1/2। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। अब देखिए इसके बाद वही कैलकुलेशन करना है उसी तरीके से एम बराबर 1/4 से 2000 क्रॉस कर देंगे, ये तो हो गया 500/1/2। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे 1/10 छोटे ब्रैकेट को उठाएंगे 1/2 बन जाएगा। उसके बाद हम इसको यदि हम चौथे पद को ऊपर ले जाते हैं 1/2 है ना, चौथा पद हो गए ये ऊपर जाएगा एम बराबर हो जाएगा 1000, ये 2 बड़ा हो जाएगा 500 से और ये हो जाएगा 1/2 + 1/20। उसके बाद 1000 इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये वाला मान उसी तरीके से पहले क्वेश्चन हमने किया था उसी तरीके से आ जाएगा आपका 11/20। तो छात्रों यहां इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एम बराबर 1000 × 11/20। 20 से इसको काट देते हैं, 1 0 से 0 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 50 आ जाएगा, तो एम बराबर 50 × 11 करेंगे तो 550। ये मौद्रिक स्तर आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, यदि कीमत स्तर दिया हुआ है तो मुद्रा की मात्रा निकाल सकते हैं और यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई थी जैसे 550 पहले वाले सवाल के अंदर तो हमने कीमत स्तर निकाल लिया 1/2। तो इस तरीके से पीगू के अनुसार हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए साथियों ये 550 जो है मुद्रा की मात्रा इसमें सी का मान तो है 500, सी का मान कितना है 500 और क्योंकि सी बराबर 1/2 कितना है 2 है ना और 1/10 एच का मान विधि ग्राह्य मुद्रा जो बैंकों में रखी जाएगी, तो कहने का मतलब इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। यदि हमको विधि ग्राह्य मुद्रा निकालनी है जो लोग अपने पास नगद मुद्रा रखेंगे उस मुद्रा को निकालना है तो ऐसी स्थिति में हम 1000 हमारा ये वाली स्थिति थी ये वाली इसको मल्टीप्लाई करते 1/2 से विधि ग्राह्य मुद्रा तो आ गई 500 और कुल 550 हमारे पास मुद्रा है तो 60 मुद्रा कितनी हो जाएगी जब विधि ग्राह्य मुद्रा हमारे पास है 500 कुल मुद्रा है 550 तो 60 मुद्रा कितना हो जाएगा कुल मुद्रा में से क्या कर रहा है
सात गुणा कितने आए 50। तो ये 550 जो कुल मुद्रा है इसके दो भाग हमें करने हैं, एक लोग अपने पास रखेंगे 500 रुपए को और 50 रुपए बैंकों में जमा कराएंगे। तो इस तरीके से पीगू जो है वो अपने समीकरण में संबंध को स्थापित करता है। अब देखिए पीगू के समीकरण का निष्कर्ष निकल कर आता है वो दोनों दरों के बीच में आनुपातिक विपरीत आनुपातिक संबंध निकल कर आता है। तो मुद्रा के मूल्य और उसके नगद में रखे गए स्तर में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है, और जब किसी चरों के बीच में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है या आनुपातिक संबंध स्थापित होता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी मांग वक्र बनेगा मुद्रा का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। चूंकि कैम्ब्रिज थ्योरी के अंदर मुद्रा की पूर्ति को पॉइंट ऑफ टाइम अल्पकाल में स्थिर माना है और मुद्रा के मांग पक्ष पर अधिक बल दिया है, तो केवल इसमें मांग चेंज करना है, पूर्ति को हम क्या मानेंगे कॉन्स्टेंट मानेंगे। ऐसी स्थिति में मुद्रा का जो मांग वक्र है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो उसी को यहाँ पे उन्होंने अपने समीकरण में बताया। तो देखिए छात्रों डायग्राम के माध्यम से इसी घटना को आप समझिएगा। हम यहाँ पीगू का जो मांग वक्र है मुद्रा परिमाण का उसको स्थापित कर रहे हैं और उसमें बताया गया है कि ये मांग वक्र जो है ये आयताकार अति परिबल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। हम इस तरीके से इसमें मुद्रा की मांग वक्र बना रहे हैं MD और मुद्रा का जो पूर्ति वक्र है इसको पॉइंट ऑफ टाइम क्या मान रहे हो स्थिर मान रहे हैं। इस तरीके से हमने मुद्रा की पूर्ति क्या कर दिया कॉन्स्टेंट कर दिया। तो ये हो गया आपका MS1, ये हो गया आपका MS2 और ये हो गया आपका MS3। ठीक है, ये मुद्रा का मांग वक्र हो गया। ये एक दूसरे को यहां क्रॉस कर रहे हैं, यहां क्रॉस कर रहे हैं और यहां क्रॉस कर रहे हैं। इस वाले स्तर पर हमने वैल्यू ऑफ मनी लिया है, वैल्यू ऑफ मनी ये OXX हो गया, ये YX हो गया। इधर हमने मुद्रा की मात्रा ली 1 4 मनी, मुद्रा की मात्रा क्वांटिटी 4 मनी, मुद्रा की मात्रा, और इसको हमने माना है M1, M2 और M3 और इसको सिंबल को नाम दे दिया हमने E1 और E2। इधर हमने दे दिया P1 P2 और P3। तो इस संबंध में देखिए छात्रों यहां जो डायग्राम बनाया गया है इसमें यह संबंध स्थापित किया गया है कि मुद्रा की जो पूर्ति है MS1 MS2 MS3 ये तो पॉइंट ऑफ टाइम पर स्थिर है। कैम्ब्रिज सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मानता है, परिमाण सिद्धांत, और मुद्रा की मांग में चेंज हो रहा है MD चेंज हो रहा है और इसमें जो चेंज हो रहा है वो आनुपातिक है, एक निश्चित अनुपात में उसमें चेंज आ रहा है, इसलिए ये जो मांग वक्र बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पहले भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी मांग वक्र जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो उस पर मांग की लोच इकाई होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि जिस अनुपात में कीमत में आप परिवर्तन करेंगे उसी अनुपात में मात्रा में परिवर्तन होगा। तो यहां कीमत और मात्रा उल्टा संबंध आ रहा है, यदि आप मात्रा को दुगुना करेंगे तो कीमत आधी हो जाएगी, यदि मात्रा को 3 गुना करेंगे तो कीमत 1/3 हो जाएगी, यदि मात्रा को 4 गुना करेंगे तो कीमत 1/4 हो जाएगी। तो छात्रों यहां ये जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, UNGLAR रेक्टेंगुलर हाइपर HYPERBOL रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर। पीगू का जो संबंध है कैम्ब्रिज थ्योरी के अंतर्गत वो आयताकार अति परिबलय मांग वक्र का निर्माण करता है। तो ये आप डायग्राम बनाकर पीगू के इस समीकरण को आप समझा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला जो हमारा समीकरण होगा वो रॉबर्टसन का समीकरण है पीगू के बाद, रॉबर्टसन समीकरण, रॉबर्टसन समीकरण। रॉबर्टसन समीकरण भी मार्शल और पीगू के प्रति काम करता है और मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो रॉबर्टसन ने जो समीकरण दिया है वो दिया है M=PKT, M=PKT ये समीकरण रॉबर्टसन ने दिया। M का मतलब मुद्रा की मात्रा, P का मतलब कीमत स्तर, T का मतलब वास्तविक आय जिसको मार्शल ने Y माना है, P
पिगू ने आर माना है, उसी घटना को रॉबर्टसन टी मान रहा है वास्तविकता, और ये जो के है ये इस वास्तविक आय का वह भाग है जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। इसी समीकरण को यदि आप पी बराबर लिखते हैं तो पी बराबर हो जाएगा एम अपॉन के टी, ये रॉबर्टसन का अन्य समीकरण आ जाता है। यदि आपको मुद्रा की मात्रा ज्ञात करनी है तो आप लिखेंगे एम बराबर पी के टी, और यदि आपको कीमत स्तर ज्ञात करना है तो एम अपॉन के टी। इस तरीके से ये इनको व्याख्या करता है और आगे जाकर कहता है कि रॉबर्टसन के जो परिणाम है वो भी इसी प्रकार रहे हैं जिस प्रकार अन्य कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के रहे हैं, मार्शल और पिगू के रहे वैसे किसके रहे रॉबर्टसन के रहे। इसके बाद जो लास्ट समीकरण दिया है इसने, ये तीसरा समीकरण हो गया, चौथा समीकरण दिया है जेम कीन्स का, कीन्स समीकरण। कीन्स ने मुद्रा परिमाण का जो समीकरण दिया है वो दिया है एन बराबर पी के प्लस आर के लेस। देखिए छात्र यहां इसी घटना को इस तरीके से लिख सकते हैं पी बराबर एन अपॉन के प्लस आर के लेस, इस तरीके से लिख सकते हैं फिर चौड़ा करके। यहां जो इस बात को समझा है अन्य घटनाओं में मुद्रा की मात्रा को चाहे वो रॉबर्टसन हो या पिगू हो या मार्शल हो सभी ने मुद्रा की मात्रा को एन से प्रदर्शित किया है, एम से इंडिकेट किया है, जबकि जो कीन्स है ये अपने समीकरण में मुद्रा की मात्रा को किससे इंडिकेट कर रहा है एन से कर रहा है, मतलब वही है लेकिन सिंबल उन्होंने अलग लिया है। यहां एन का मतलब मुद्रा की मात्रा है, पी का मतलब अन्य समीकरणों में पी का मतलब कीमत स्तर है, यहां भी कीमत स्तर है। आर का मतलब है बैंक नगद कोष, ये जो आर लिया है इसके अंदर बैंक में नगद रूप में जो रखा जाता है जैसा कि पीगू भी बैंक या साफ मुद्रा की बात करता है वैसे किंग्स भी कर रहा है कि जो हमारी हम हमारे पास नगद रूप में रखेंगे उसका एक निश्चित भाग हम बैंकों में भी रखेंगे, तो बैंकों में जो नगद कोष रखा जाएगा वो किसका समीकरण होगा वो साइन होगा आर, ठीक है। इसके अलावा के डैश जो है यहां वह उपभोग वस्तुओं की वह मात्रा जिसे लोग मांग जमा के रूप में रखते हैं, के डैश का मतलब क्या है उपभोग वस्तुओं की वह मात्रा जिसे लोग मांग जमा के रूप में अपने पास रखते हैं। देखिए कंजंक्शन फंक्शन जो है वो कीन्स का फंक्शन है और अन्य शास्त्रियों की तुलना में कीन्स ने सबसे ज्यादा